Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi, guys. Welcome back to my channel. Welcome to the last video of my birthday series. इट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग टू से दैट टू बी ऑनेस्ट आज मैं अपनी लास्ट वीडियो शूट कर रही हूँ एंड इट इज़ सच अ रिलीफ कि मैंने इस बार बोला था ट्वेल्व वीडियोज ट्वेल्व डेज एंड आई डिड इट आई फील वेरी वेरी गुड अबाउट दैट एंड या जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो उस दिन मेरा बर्थडे है तो विश में हैप्पी बर्थडे इन द कॉमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल एंड अदर देन दैट मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों से बोला था टू यू नो आस्क मी सम क्वेश्चन इफ़ यू वॉन्ट टू रिलेटेड टू माई पर्सनल लाइफ And I got a beautiful amount of response. Nabhat comes. I'm gonna answer all those questions in today's video. So if you are interested in knowing me a bit more on the personal front, keep on watching this video till the very very end. But if you're new to my channel and if you haven't subscribed to my channel, ask me a birthday. Ask to gift day do go and hit that red subscribe button and the notification bell right next to it so that every time I upload a video you get notified. ना विदाउट एनी फर्दर ब्लैरिंग टू द वीडियो सो जितने भी क्वेश्चन मुझे आए थे वो सब मैंने इस नोटबुक में लिख लिए हैं एंड दे वो टू थ्री क्वेस्स जो कि मुझे बहुत ज्यादा लोगों ने पूछे थे लाइक इट व लिटर द सेम क्वेश्चन एंड उसमें से जो सबसे फर्स्ट मोस्ट आज क्वेश्चन था वो ऐस माई यूट्यूब जर्नी एंड लाइक आई वॉज वेरी सप्राइज दैट यू गाइज रियली वॉन्टेड टू नो अबाउट माई यूट्यूब जर्नी एंड मैंने पहले ना टी एम आई वीडियो शेयर किया था उसमें ने थोड़ा इस टॉपिक पर बात किया था बट आई नो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड आर फैमिली यू नो अभी हाल फिलहाल में सो आई थॉट वाई नॉट टॉक अबाउट इट अगैन एंड आई एम गिव यू लाइक इन डिटेल टूअर ऑफ माई यूट्यूब जर्नी सो हुआ क्या था मैं कॉलेज में थी आई स्टार्टेड माई कॉलेज इन 2017 एंड एट दैट टाइम मेकअप के नाम पे मेरे पास एक काजल था एंड दो लिपस्टिक थी जो कि मेरी मम्मी की थी तो जब मैं हॉस्टल से घर आती थी तो मैं मम्मी को बिना बताए चुरा के लेके चली जाती थी बट आई डोंट नो हाउ बट सम हाउ आई वॉज़ एडिक्टेड टू मेकअप ट्यूटोरियल्स मतलब अगर मेरी छुट्टी होती थी जिस दिन उस दिन मैं सुबह से ले रात तक नॉन स्टॉप डिफरेंट मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती थी एंड मैं इतने मेकअप ट्यूटोरियल्स देख चुकी थी कि ऑल दो मेरे पास मेकअप के नाम पे प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था बट आई न्यू वॉट वॉट प्रोडक्ट डज एंड हाउ टू यूज़ वॉट प्रोडक्ट यू अंडरस्टैंड लाइक आई न्यू एवरी थिंग सो तभी से मेरा मेकअप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा एंड मेकअप के साथ साथ मेरा यूट्यूब में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा एंड टू थाउजेंड सेवनटीन के एंड में आई मेड माई ओन चैनल एंड आई वॉज रियली कीन टू स्टार्ट माई चैनल बट मैंने कभी भी वीडियोज़ पोस्ट नहीं करी बिकॉज मेरे दिमाग में यही था कि आई वुड स्टार्ट इधर अ मेकअप चैनल और अ कुकिंग चैनल बिकॉज आई लव कुकिंग नाउ द थिंग इज़ मेकअप वीडियोज़ बनाने के लिए आई डेंट हैव द प्रोडक्ट आई डेंट हैव एनी मेकअप कुकिंग वीडियोस बनाने के लिए यू नीड सपोर्ट लाइक आई नो ये एक्सक्यूजेस लग रहे होंगे बट नहीं कुकिंग वीडियोस बनाने के लिए आपको सपोर्ट चाहिए रहता है या तो किसी इंसान का सपोर्ट चाहिए रहेगा या यू हैव टू हैव दोज गियर्स लाइक प्रॉपर ट्राई पॉड फॉर दैट टॉप एंगल शॉट एंड एवरी थिंग यू नो कुकिंग वीडियोज़ आर अ डिफ़िकल्ट टू शूट अकेले जैसे ये ब्यूटी वीडियो तो बैठ के आपने शूट कर लिया कुकिंग वीडियो ऐसे नहीं शूट हो पाता है सो so, YouTube पे वीडियोस नहीं जा पाए उस टाइम पे एंड uh, मेरी मम्मी उस टाइम पे भी मुझे सब्सक्राइब कर रखी थी तो जब लॉकडाउन हुआ उस टाइम पे आई थिंक सबके पास बहुत फ्री टाइम था एंड आई वाज कुकिंग सो मच लाइक लॉकडाउन से पहले भी आई यूज टू कुक अ लॉट एंड क्योंकि मैं वीडियोस नहीं बना पाई तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग बना लेती हूँ तो मैं फ़ोटोज़ खींचती थी एंड मेरी वेबसाइट थी मैं उस वेबसाइट पर रेसिपीज़ अपलोड करती थी इंस्टाग्राम पर पे मेरा पेज है उस पर मैं फ़ोटोज़ अपलोड करती थी फिर वेबसाइट बंद हो गई फिर लॉकडाउन हो गया फिर जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन में Uh, मेरा मन करता था कि मैं यूट्यूब शुरू करूं करूं करूं, बट उस टाइम पे पहली बार इतना फ्री टाइम मिला था तो ऐसा लग रहा था कि चलो बाद में करूंगी बाद में करूंगी तो थोड़ा टाइम तो मैंने वैसे वेस्ट कर दिया था देन केम अ पॉइंट इन माय लाइफ जब मेरी जॉब स्टार्ट हो गई थी एंड फॉर सम रीज़न वो एक ऐसा फेज था मेरी लाइफ में वैन आई स्टार्टड लूजिंग अ लॉट ऑफ पीपल लाइक आई लॉस्ट ऑलमोस्ट एवरी दैट आई वॉज़ क्लोज टू एंड उस टाइम पे आई वॉज़ फीलिंग वेरी वियोर्ड लाइक मैं कभी भी ऐसे अकेले रही नहीं एंड देन आई वॉज हियर इन माई रूम सिटिंग अलोन फॉर एंटायर डे अब तो तीन साल हो गए बैठे बैठे तो मुझसे खाली बैठना बर्दाश्त नहीं होता लाइक आई एम दैट पर्सन दैट हैज़ टू कीप गोइंग दैट हैज टू यू नो कीप योर सेल्फ बिजी वरना आई जस्ट के नॉट सिट आइडल तो उस टाइम पर मैंने सोचा कि यार अब तो यू नो जॉब लग गई है अब तो पैसे आने लग गए हैं तो आई कैन इन्वेस्ट इन यू नो दीज इक्विपमेंट्स और मेकअप प्रोडक्ट्स तो मैंने सोचा वाई नॉट क्योंकि अब नहीं किया तो फिर तो एक्सक्यूज ही हो जाएंगे अब तो अपना सोर्स है तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं एंड सो या देन इन 2021 आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल एंड मैं बहुत ज़्यादा एंशियस थी स्टार्टिंग में जब आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे उसमें मैं थोड़ी बहुत डरी हुई भी लगती हूँ सो मैंने ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट किया एंड या टुडे वी आर लाइक वन सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉग एंड आई फील सो लक्की एंड या द जर्नी हैज़ बीन गोइंग स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ups एंड downs आते हैं बहुत बार कुछ वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है दे डोंट डू वेल कुछ वीडियोस डालनी है यार कुछ बनाना है फटाफट से बना के डाल देती हूँ एंड दोज pick up मतलब यूट्यूब इज़ वेरी वेरी अनप्रडिक्टेबल एंड दैट इज़ समथिंग दैट challenges मी एंड आई लाइक दैट चैलेंज

सो समबडी आस्ट मी हुप मी यू नो विध माई वीडियो मेकिंग एंड इन जनरल अगर मैं बात करूं मैंटल इमोशनल वैसा वाला सपोर्ट सो इनिशियली जब मैंने स्टार्ट किया था तो my my मॉम was द biggest बिगेस्ट सपोर्ट वो मुझे हमेशा बोलती थी तूने एक वीडियो डाल दी अब नहीं डालेगी क्या चैनल बंद हो जाएगा तेरा ऐसे करके लाइक शी मोटिवेट मी एंड अभी भी लाइक शी ट्राइज हर बेस्ट जब भी किसी को शेयर करना रहेगा वीडियो या यू नो टेलिंग पीपल एंड कभी उनकी हेल्प चाहिए रहती है तो वो कर देती है बस जब लड़ाई हो जाती है ना दैन शी डज इन शेयर माई वीडियो बट अपार्ट फ्राम देट दैट वे शी हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट एंड अगर आप पूछो कि कौन मुझे वीडियोज बनाने में सपोर्ट करता है तो सुबह के सात बज गए हैं और मैं पूरी रात वीडियोस बना रही थी अभी भी वीडियो बना रही हूँ और मेरे कमरे में कोई भी नहीं है सो आई शूट माय वीडियोस माई सेल्फ आई एडिट देम माई सेल्फ आई स्क्रिप्ट देम माई सेल्फ आई एम बेसिकली अ वन मैन आर्मी बट अगर कभी कभी कुछ ऐसी वीडियोस होती है जिसमें मैं नहीं ऐसा स्टिल शॉट नहीं ले सकती जैसे वायरल फूड रेसिपी वाली वीडियो थी तो मैं अपने भाई की हेल्प ले लेती हूँ अगर वो घर पे होता है तो बिकॉज ही आल्सो हैज़ हिज ओन लाइफ तो उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस uh, करना पड़ता है तब जाके वो मानता है एक वीडियो के लिए तो इसीलिए मैं बहुत uh, कम ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मेरे को शूट के लिए किसी और की हेल्प पड़ने पड़ जाए मोस्टली आई मेक सिट डाउन वीडियोस दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई डोंट मेक मोर कुकिंग वीडियोस क्योंकि मुझे आप लोग बोल रहे हो कि कुकिंग वीडियोज़ भी डालो सो दैट्स द रीज़न नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट आर माई ड्रीम्स और माई फ्यूचर गोल यार देखो ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं मतलब आई एम अ पर्सन

बट दिस इज़ माई पैशन दिस इज़ वॉट ड्राइव्स मी दिस इज़ वॉट गिव्स मी द रीज़न टू वेकअप एवरी डे रात में जब मैं सोती हूँ मेरे दिमाग में चल रहा होता है कल ये शूट करना है एंड अगले दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे दिमाग में पूरा दिन प्लैंड होता है बेस्ड ऑन माई शूट्स कि मुझे इस टाइम पे ब्रेक है तो ये शूट करना है इस टाइम पे ब्रेक है तो ये एडिट करना है सो दैट इज़ हाउ माई डेज प्लान इन माई हेड एंड द नियर फ्यूचर गोल्स इज टू लाइक गेट माई चैनल मोनिटाइज स्टार्ट अर्निंग समथिंग फ्रॉम कॉन्टेंट क्रिएशन इस टाइम पे आई एम अर्निंग जीरो रुपीज़ लाइक आई एम नॉट अर्निंग एनी थिंग फ्रॉम कॉन्टेंट क्रिएशन तो फ्यूचर गोल्स यही है यार कि कॉन्टेंट क्रिएशन से यू नो आई स्टार्ट अर्निंग सो दैट आई हैव अ रीज़न टू

एकदम से मेरा मूड खराब जाएगा किसी भी बात पे फिर मोटिवेशन चला जाएगा फिर मैं शूट नहीं कर पाती फिर मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है सो आई डोंट नो हाउ टू स्टे मोटिवेटेड मैं कई बार स्टोरीज़ वगैरह पे आप लोगों से पूछती हूँ मुझे कोई कुछ बताता नहीं है कमेंट पे बताओ हाउ डू यू गाइस स्टे मोटिवेटेड बिकॉज वेन आई एम अपसेट आई हैवन फिगर्ड आउट अ वे टू चोर माई सेल्फ अप अभी सो वट आई डू इज़ आई स्लीप एंड आई ओवर ईट एंड देट्स द रीज़न आई हैव बिन गेवनिंग सो मच वेट इन द पास्ट वन ईयर एंड उसके अलावा लाइक आई जस्ट लेज़ अराउंड मतलब मुझसे बेड से भी नहीं उठा जाता अगर मेरा मूड ख़राब है तो एंड मोटिवेशन uh, की अगर बात करें तो अगर uh, कुछ ऐसा खतरनाक नहीं हुआ है जिसकी वजह से मेरा मूड खराब है तो आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ कि यार स्टार्ट अगर कोई चीज़ करी है तो कर ही ले इतनी आगे आके अब मत रुक तो फिर मैं बना लेती हूँ वीडियोस एंड दैट्स हाउ आई स्टे मोटिवेटेड टूवर्ड्स माय कंटेंट क्रिएशन एंड अदर थिंग्स आल्सो लाइक थिंग्स दैट आई एम पैशनेट अबाउट आई ट्राई टू जस्ट गेट अप एंड डू इट सो दैट्स हाउ आई स्टे मोटिवेटेड आई ट्राई टू एटलीस्ट सो समन आस्ट मी अबाउट माई फैमिली मेम्बर्स सो अगर मैं अपनी क्लोज़ फैमिली की बात करूँ सो so हमारे घर पर हम चार लोग रहते हैं माई मॉम माई डैड माई ब्रदर एंड मी सो या दैट्स ऑल श्योर देन समी लास्ट माई एज तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मैं ट्वेंटी टू ईयर्स की हूँ एंड जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ट्वेंटी थ्री ईयर्स की हो चुकी हूँ एंड आई एव लिटरली ट्वेंटी थ्री फील्स लाइक टू मच लाइक फॉर सम रीज़न मैं अपने दिमाग में अभी भी ट्वेंटी ट्वेंटी में ताकूँ कई बार मैं डेट लिख देती हूँ ट्वेंटी ट्वेंटी कोई मुझसे एज पूछता है एंड एकदम से मुझसे निकलता है ट्वेंटी फिर याद आता है टू तो ऐसा हो जाता है सो so, ट्वेंटी थ्री इज लाइक बट या ट्वेंटी थ्री देन समी आस्ट मी इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स सो आई वुड से यूट्यूब शॉर्ट्स क्योंकि मैंने यूट्यूब शार्ट्स पर देखा है कि लाइक यू नो सम कॉन्टेंट जो अच्छा कर रहा है यू मेक समथिंग रिलेटेड टू दैट वो भी अच्छा करेगा ठीक है बेसिकली इफ समथिंग इज़ वर्किंग एंड पिकिंग अप ऑन यूट्यूब वो उसी से रिलेटेड दूसरा कंटेंट भी पिकअप करेगा इंस्टाग्राम इज वेरी मूडी एकदम से मेरी कोई नॉर्मल रैंडम वीडियो टेन के ट्वेंटी के फोर्टी के पहुँच जाती है देन मैं उसी से रिलेटेड एकदम सेम वीडियो सेम वीडियो छोड़ दो मैं वही वीडियो अगर रीअपलोड कर दूँ ना तो फिर वो वीडियो वापस तीन सौ अटक जाती है मुझे समझ में नहीं आता सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी एम्बेरसिंग मोमेंट आई हैव हैड अ लॉट लाइक आई हैव एम्बेज माई सेल्फ एट एवरी पॉसिबल प्लेस एंड टाइम एंड हाउ लाइक मेरे को याद भी नहीं होंगे मोमेंट्स आई हैव टू हैव माई ब्रदर एंड माई बेस्ट फ्रेंड सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड वो लोग इतने बता देंगे ना कि आप लोग गिर नहीं पाओगे बट सबसे so, ज़्यादा एम्बेरस में कब होती थी जो मुझे अभी याद आ रहा है वो इज़ लाइक एवरी सिंगल टाइम मैं गिर जाती हूँ कहीं पर भी मैं चल रही हूँ एंड ऑल ऑफ अडन मैं गिर जाती हूँ बारिश हो रही है कीचड़ पे चल रही हूँ मैं गिर जाती हूँ कॉलेज के फ्रंट गेट पे मैं बारिश के सीजन में बिछ गई थी एंड एवरी बॉडी वॉज लुकिंग एट मी एंड लाफिंग आई वाज लाइक शेड एंड उससे तो बारिशिंग ये हो जाता है कि जब मैं गिर जाती हूँ ना तो मुझे बहुत हंसी आने लग जाती है फॉर सम रीज़न सो मेरे साथ अगर कोई है तो मुझे हाथ दे रहे हैं कि उठ जा एंड आईम लाइक मुझे हंसते थे पहले सो दैट गिट्स वेरी एम्बेरसिंग सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन रिमेंबर इंस्टेंटली एंड ऐसे तो गिरने वाले मेरे साथ कितने हादसे हुए हैं बट दो मोस्ट एम्बेरसिंग मोमेंट्स फॉर मी एंड द पीपल अराउंड मी होल्सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट यूट्यूबर सो मैंने काफ़ी बार बोला है दैट आई रियली लव एंड अडोर सारा सरोज शी इंस्पायर्स मी अ लॉट i mean uh, she was the reason that i finally you know gained the courage of starting a youtube uh, channel because womerehi hkm is the exal and the way she has grown her channel the way she has grown her lifestyle

न देर इज रॉक्सी जिनका मेकअप रेवोल्यूशन के साथ को लेबोरेशन भी है देन नहीं रॉक्सी नहीं सोफी या रॉक्सी एंड सोफ़ी बोथ सो लाइक आई हैव अ लॉन्ग लिस्ट लाइक आई रियली अडोट दे वर्क एंड आई लव दर विच एप डू यू यूज़ टू एडिट सो मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ और इंस्टाग्राम रील्स दोनों ही एफ सी पी एक्स पे एडिट करती हूँ देट इज़ फाइनल कट प्रो दैट इज़ अ पेड सॉफ्टवेयर ओनली अवेलेबल इन मैकबुक पहले मैं आई मूवीज पे करती थी दैट इज ऑल्सो सिमिलर एंड फ्री वर्जन एंड अवेलेबल ऑन आई फोन एंड मैकबुक सो या अदर देन दैट हाँ अगर मैं कभी कभी फ़ोन पे कोई रील शूट कर रही हूँ और एडिट करनी फटाफट से डालनी है तो मैं इन शॉर्ट यूज़ कर लेती हूँ माई रिलेशनशिप स्टेटस तो अगर आप लोगों ने मेरा वैलेंटाइन वाला मेकअप लुक देखा था तो ये मैं उसमें आंसर कर चुकी हूँ बट uh, अगर नहीं देखा है सो आई यू इन अ रिलेशनशिप एम आई No, I'm not. <laughs> I don't know why I was building it up because the answer was going to be very plain and boring. No, I am not in a relationship. I am. वेरी मच सिंगल वेरी हैप्पीली सिंगल एंड आई हैव नो प्लान्स टू मिंगल एनी टाइम सोन अभी आई जस्ट वॉन्ट टू फोकस ऑन माई करियर एंड वांस दैट्स डन दैट इज वैन आई कैन मे बी थिंक अबाउट यू नो रिलेशनशिप और मैरिज और वॉट एवर मेरे तो घर वाले शादी के ही पीछे पड़ गए हैं बट अभी नहीं कर रही हूँ मैं सो so, या yeah. नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज हैव यू ट्राइड द माई ग्लैम फ्री लिपस्टिक सो जो माई ग्लैम की फ्री लिपस्टिक्स है मैंने उसके बारे में काफ़ी बार अपने स्टोरीज uh, वगैरह पे शेयर किया है तो येस आई हैव यू नो यूज दोज लिपस्टिक्स एंड आई हैव क्वाइट लॉट ऑफ दैम ये सब मैं मेरे घर पे छः फोन नंबर्स थे और मैंने छः के छः में से एक एक लिपस्टिक मंगा ली बिकॉज आप एक नंबर से एक ही बार क्लेम कर सकते हो वो फ्री वाला ऑफ मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे रखी है एंड आई हैव सो मेनी शेड्स और ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं थोड़े से ड्राइंग लगते हैं बट अगर आप अच्छे से यू you नो know, लिप बाम लगा के इसको लगाओ तो ये बहुत अच्छे लगते हैं इसकी फिनिश बहुत अच्छी है एंड uh, रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है इट लुक्स गुड ऑन द लिप्स सो या आई आई लाइक दीज लिपस्टिक्स यू शुड चेक देम आउट इसके जो रेड्स वगैरह है ना वो तो बहुत सुंदर लगते हैं Okay, so with this, we come to our last question for today's video, which was very uh, different. Uh, so, uh, somebody asked me, Have I ever failed any subject? I know most of the people are going to hate me for this because a lot of people around me do. बट आई हैव इंट लाइक एवर ठीक है लाइक like, मैं पूरे स्कूल टाइम में कभी किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई दोज व ऑल द क्वेश्चन दैट यू गाइज यूर इंटरेस्टेड टू नो एंड आई ट्राइड एंड आंसर दैम एज ऑनस्टली एज पॉसिबल जिस किडिंग आई वॉज वे 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 टू ऑनेस्ट आई डेंट हैनी थू लाई अबाउट ऑनस्टली सो या अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना मुझसे कॉमेंट्स में कुछ और पूछना चाहते हो तो पूछ लो मैं सारे कॉमेंट्स की रिप्लाई करती हूँ एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट दैट रेट सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट सो दट टाइम आई अपलोड इन यू वीडियो यू गेट नोटिफाइड नाउ आई विल सी यू टू वाइस अ वीक बैक टू आर यूज स्केड्यूल टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय